नमस्कार दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में एक महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन करने की बात कही। जी हां, उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक महीने के अंदर 5 नए एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। इससे राज्य में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा के उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑनलाइन जुड़े थे और इसी दौरान उन्होंने ये घोषणा की कि एक महीने में उत्तर प्रदेश में 5 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा और कहा कि आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अयोध्या की पावन भूमि पर एक नव वर्ष का उत्साह हमने 30 दिसंबर को देखा था, जब पीएम मोदी ने अयोध्या के भव्य हवाई अड्डे का और नवीन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा, जिससे बड़े विमान उतर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि अयोध्या अहमदाबाद के बीच जो सेवा शुरू हो रही है, उससे श्रद्धालुओं को अहमदाबाद से अयोध्या और अयोध्या से द्वारिका धाम, सूरत, सोमनाथ जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करने में आम जन को आसानी होगी। मैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसमें रुचि लेकर अयोध्या के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा कराया। आपको बता दें, ये 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद में एक साथ इनॉग्रेट किए जाएंगे। जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरठ, मेयरपुर और सारसवा में भी आने वाले दिनों में हवाई अड्डे संचालित किए जाएंगे, जिसके बाद राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या हवाई अड्डे पर 100 चार्टर्ड उड़ानों के उतरने की उम्मीद की जा रही है और ये बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि बेहतर हवाई सेवाएं पर्यटन तथा व्यावसायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको बता दें, राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में करीब 30% से बढ़कर 96 लाख हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में ये संख्या 59 लाख थी, जिससे देखा जा सकता है कि प्रदेश में हवाई संपर्क काफी बेहतर हुआ है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।